अस्सलाम वालेकुम, मेरे सारे लोगों को मेरा सलाम। इस वक्त हम हिजाब के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उन कर्नाटक की बहनों को सपोर्ट करने के लिए जो इस वक्त हिजाब की लड़ाई लड़ रही हैं। और हम सारी तमामी हिजाब वाली बहनें आज एक वक्त यहाँ पर एकजुट हुए हैं और ये बताने के लिए एकजुट हुए हैं कि अगर हमारी शरीयत में मुदाखलत की जाएगी तो कसम खुदा की एक ऐसा प्रोटेस्ट होगा पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर कि ये दुनिया देखेगी, जिसकी गूंज दूर दूर तक जाएगी। हम CNRC वाली प्रोटेस्ट की जो लड़कियां हैं वो एक ऐसा प्रोटेस्ट खड़ा करेंगी हिजाब को लेकर कि आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं केंद्र सरकार को भी चैलेंज करती हूँ और न्यायपालिका का फैसले का इंतजार कर रही हूँ। और अगर न्यायपालिका का फैसला हमारे हक में नहीं आता है और हमारे लिए नहीं आता है हमारे हिजाब के हक में, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और पूरे हिंदुस्तान में करेंगे और पूरे हिंदुस्तान के जगह जगह होगा। क्योंकि आज हमारी इज्जतों के साथ, हमारी असमतों के साथ, हमारे आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि ये जो बुरखा है, ये जो नकाब है, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी असमत है, ये हमारी आबरू है और हमसे हमारी आबरू को छीना जा रहा है। और जो हमसे हमारी आबरू छीनेगा उसे हम सब मुस्लिम औरतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप हर बार हमारी शरीयत में मुदाखलत करते हैं। इससे पहले आप 3 तलाक लेकर आए, फिर उसके बाद आपने अजान पे पाबंदियां लगवाने की कोशिश करी, फिर आज आप हिजाब पे लेकर आए। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि आपको मुसलमानों से दिक्कत हो चुकी है? तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है। संविधान भी यही कहता है कि आप आजाद हैं और अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो कौन सा आप आईन का कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं? आप आईन के कातिल हैं, आप संविधान के कातिल हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल के कातिल हैं। तो मैं ये यहाँ से सैयद उज़्मा परवीन उर्फ झांसी की रानी ये चैलेंज करती हूँ केंद्र सरकार को कि अगर फैसला हमारे हक में नहीं हुआ तो एक गूंज उठेगी और वो गूंज की जो कान तक आपके जाएगी, जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और हम वो शेरनियां हैं, वो शहजादियां हैं जो मुकाबला करेंगी डट के, जिन्होंने CNRC में मुकाबला किया था, आज वो अपने हिजाब के लिए भी मुकाबला करेंगी। और हम ये कहना चाहते हैं शेर के साथ, फिरौन की है ना नमरूद की है, फिरौन की है ना नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस वक्त तो डरना नामुमकिन है क्योंकि बात अपने वजूद की है। इस इंशाल्लाह हम सारे लोग हमारी जिंदगी ले लो, हिजाब रहने दो, बेशक 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 हमारी जिंदगी ले लो, हिजाब रहने दो। शुक्रिया। बोलना तुम्हें हिजाब पर कुछ बोलना है? बोलो 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 हिजाब। हाँ बोलो 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 हिजाब को लेकर बोल दो, थोड़ा सा 2 लाइन बोल दो। हिजाब हमारी हया है, हम इफ्फत वाली औरतें हैं, इस्मत वाली औरतें हैं, हया में रहना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम खुले रहें, हम नहीं चाहते कि हमारी मक्खियां लगे, हम नहीं चाहते कि हमें लोग देखें, हमें लोग घूरें, हमें लोग क्या समझे, हमें इसका कोई फिक्र नहीं। लेकिन हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमें अपने लिए हिजाब कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह की बात मानना है, हमें कुरान अपनी किताब की बात मानना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलना है, तो हमें हिजाब करना है। हिजाब हमारा अपना चॉइस है, हमें किसी ने प्रेशर में डाला कि तुम हिजाब पहनो, तुम हिजाब करो, बल्कि हम ये खुद कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर हिजाब में आलंकियाँ ना रहे तो पूरी इंसानियत बर्बाद हो जाएगी, सबके जहन ख़राब हो जाएंगे। अगर लड़कियाँ हिजाब में रहेंगी तो लोग उसके ऊपर कम तवज्जो देंगे, जो बाहिजाब नहीं है, जो बेपर्दा है, तो उनको लोग देखते हैं, न जाने क्या क्या ख्यालात लाते हैं और उनका जहन खराब हो जाता है। अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं, हम अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं, तो लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए इससे। कर नहीं सकती। चलो अब बोलो, तुम बोल दो।
बोलो कहना। हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है। हमारे देश में, देश के कानून में अपने मजहब को पैरवी करने की पूरी तौर से इजाजत है। अगर हमारे हिजाब के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हम लोगों से वो बर्दाश्त नहीं होगा। हिजाब हमारी पर्सनल मैटर है, इसमें किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हिजाब में हमारे पर कोई प्रेशर नहीं डालता है, लेकिन हम हिजाब को नहीं छोड़ेंगे। हिजाब हम खुद से करते हैं, ये हमारा खुद का है। भले ही हमारी जान ले लो, हिजाब रहने दो। भले ही हमारी जान ले लो, हिजाब रहने दो। भले